गुड इवनिंग गाइज, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मैं वर्कआउट के पहले क्या लेता हूँ। बहुत से भाइयों ने क्वेश्चन किया था, भाई आप वर्कआउट के पहले क्या लेते हैं कि आपकी बॉडी में इतना पंप आता है, आप एक्सरसाइज बढ़िया से कर पाते। तो मैं आपको लोग बता दूँ, मैं वर्कआउट के पहले आधे घंटे पहले 2 से 3 बनाना लेता हूँ और कुछ उबले हुए आलू लेता हूँ 5 से 6, जिससे हमारे बॉडी में पंप ज़्यादा रहती है और बॉडी में एनर्जी ज़्यादा रहती है, तो हम वर्कआउट बढ़िया से कर पाते हैं। तो अभी तो मैं बनाना ले चुका हूँ, अभी मैं वर्कआउट शुरू करूँगा अभी 5 बजे। तो जिम तो हमारा घर ही पे, जानते हैं आप लोग। चलिए टाइम हो गया, अब हम लोग चलते हैं जिम में। गाइस मैं अपने जिम में आ चुका हूँ। आज हम लोग करने वाले वैसे वर्कआउट, क्योंकि आज है वेडनेसडे। तो मैं बता दूँ पूरे वीक का शेड्यूल जो मैं फॉलो करता हूँ, मंडे को चेस्ट, ट्यूसडे को बैक, वेडनेसडे को बाइसेप्स, थर्सडे को ट्राइसेप्स, फ्राइडे को शोल्डर और सैटरडे को लेग, और संडे को मैं मिक्स मारता हूँ, जैसे फोर आर्म्स के ऐसे वैसे एक्सरसाइज जिसका पार्ट के हम लोग वीक में नहीं करते हैं। और एप्स मैं मॉर्निंग में लगाता हूँ, हफ्ते में 3 दिन लगाता हूँ एप्स मॉर्निंग में वो भी। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। Brand new Lamborghini, fuck a cop car. With a pistol on my hip like I'm a cop. Yeah. Ever met a real nigga rock star? This ain't no guitar, this is a clock. My Glock told me to promise you gon' squeeze me. Better let me go the day you need me. Put me on that nigga, get the bus. And if I ain't in love, get the. देख लो गाइस, ऐसे बनते हैं आम, तब जाके बॉडी लगती है मस्कुलर। ऐसे बनते हैं पंद्रह रेस्ट लेंगे, होल्ड डाउन, शुरू नीचे ले जाना है। That ain't a nigga gave me nothing. I'm ready to hop out on a nigga, get the bus. Know you heard me say you play, you late, don't make me push the butt. Full of pain, dropped enough tears to fill up a fuck. Going for buggers, I bought a chopper, I got a big drum to hold a honey. Going for nothing, I'm ready to air it out on all these niggas, I can see I'm running. She talk to my mom, she hit me on FaceTime just to check up on me and my brother. I'm really the baby, she know that the youngest son was always guaranteed to get the money. Okay, let's go. She know that the baby boy was always guaranteed to get the loot. She know what I do, she knows where I run from, nigga, I'ma pull it out, shoot. PTSD, I'm always waking up cold sweats like I got the flu. My daughter the G, she saw me kill a nigga in front of her before the age of 2. And I'll kill another nigga too. Or let another nigga do something to you. ऐसे हार्ड वर्कआउट दो और आपके भी आंस बने। अब ट्राई करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, अब लगाएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। उससे पहले एक गाइस कमेंट में बताना आर्म्स की साइज़ क्या होगी या बॉडी कैसी लग रही है आप लोगों को, कौन सा बॉडी पार्ट आप लोगों को ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, आप उस पर ज़्यादा काम करना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। और कमेंट में बताना कि आप लोग कितने लोग घर पर वर्कआउट करते हैं और कितने लोग वर्कआउट नहीं करते। तो वर्कआउट ज़रूर करें, दिन में 1 घंटे या आधे घंटा जरूर वर्कआउट करें, आपकी फिटनेस ठीक रहेगी, हेल्थ ठीक रहेगा। हम लोग का वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है, साइज देख लो, कमेंट बताओ कितनी साइज होगी। और आप भी ऐसे ही हार्ड वर्कआउट करके अपने आर्म्स को
इससे अच्छा है ऐसे बना सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का हैंडल नेम यूजर नेम है संदीप यादव ऑफिशियल, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और इंस्टाग्राम में फॉलो ज़रूर कर लेना।